हाय दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 आसान तरीके जिससे आप घर पर ही काजल बना सकते हैं, और साथ ही बताऊंगा आंखों में काजल लगाने के फायदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। काजल को आंखों का महत्वपूर्ण गहना माना जाता है। चाहे बड़े हो या फिर छोटे, सभी को आंखों में काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है। इससे आंखें बड़ी, सुंदर और आकर्षक लगती हैं। प्राचीन समय में तो सभी काजल घर पर ही बनाते थे, क्योंकि उस समय काजल बाजार में उपलब्ध नहीं होता था। परंतु आजकल बाजार में कई तरह के काजल उपलब्ध हैं। कई बार ये काजल नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जिससे आंखों में खुजली होना या फिर पानी आने लग जाता है। आंखें बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जो बहुत जल्दी और आसानी से संक्रमण की चपेट में आ सकती हैं। तो आइए जानें घर पर बने काजल के फायदे और इसे बनाने की विधि के बारे में। घर पर बने काजल के फायदे। घर के बने हुए काजल आंखों में ठंडक पहुंचाते हैं और आंखों की दृष्टि को भी मजबूत करते हैं। घर पर बनी हुई काजल को ऑर्गेनिक काजल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। ये आंखों से अशुद्धियों को निकालती है और लंबे समय तक आंखों को ठंडा रखती है। अगर आप भी घर पर काजल बनाना चाहती हैं, तो इस आसान तरीके को अपनाकर और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके इसे घर पर ही बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं फिर घर पर काजल कैसे बनाएं। पहला तरीका, सरसों के तेल से काजल। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक ही आकार के 2 कप, 1 तांबे की प्लेट, थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 मिट्टी का दिया, थोड़ी सी रुई, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और 1 छोटा डिब्बा जिसमें आप काजल डाल सकें। इसको बनाने की विधि। सबसे पहले आप दोनों कपों को थोड़ी दूरी पर रखें, जिससे उन दोनों के बीच में मिट्टी का दिया आ जाए। अब दिए में सरसों का तेल डालकर दिया भर दें। उसके बाद रुई की बत्ती बना लें। वो बत्ती बनाते समय उसमें थोड़ी अजवाइन भी डाल दें। बत्ती को बनाकर उसको तेल में डुबोकर दिए में रख दें। दिए को जला दें और फिर दोनों कपों पर तांबे की प्लेट रख दें। ध्यान रखें कि दिए की लौ प्लेट तक पहुंचनी चाहिए। अब इसे सारी रात जलने दें, क्योंकि इसे बनने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। सुबह प्लेट ठंडी होने पर उसे सीधा कर उस पर जमी कालिक या फिर कहें तो कार्बन को खुरेज कर खाली डिब्बे में डाल दें। अब इस कालिक में कुछ बूंदे देसी घी की मिलाकर काजल को स्मूथ कर लें। काजल का पेस्ट ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। यह काजल बनाने का सबसे पुराना और सुरक्षित उपाय है, जिससे आंखों में खुजली भी नहीं आती है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक काजल माना जाता है। दूसरा तरीका, बादाम के तेल से काजल। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी मिट्टी का दिया, तांबे की प्लेट, सरसों या फिर अरंडी का तेल और बादाम का तेल, थोड़ी सी रुई, 1 छोटी डिब्बी, 1 ही आकार के 2 कप। विधि, मिट्टी के दिए को जमीन पर रखें और उसमें तेल डालें। उसके बाद रुई की बत्ती बनाकर तेल में भिगोकर दिए में रख दें। बत्ती लगाकर आप दिए को जलाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट कपों की सहायता से रखें। प्लेट इस प्रकार रखें कि दिया बुझ ना पाए। और अब इस प्लेट पर कुछ बादाम रखें। इन बादामों को पूरी तरह से जलने दें। जब ये बादाम जल जाएं, तो इन बादामों को हटा दें। इस प्रक्रिया को अन्य बादामों के साथ भी करें। जब सभी बादाम जल जाएं, तो चाकू से प्लेट के नीचे जमी कालिक को निकाल लें और इसे डिब्बे में डालकर रखें। तीसरा तरीका, कपूर से काजल। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी 2 या 3 कपूर के टुकड़ों की, तांबे की प्लेट, 2 समान आकार के कप और 1 डिब्बा। इसको बनाने की विधि। सबसे पहले कपूर के 2 या 3 टुकड़े लें और उसे प्लेट के बीच में रखें। अब दोनों तरफ कप रखें और माचिस से कपूर को जलाएं और इसे पूरी तरह से जलने दें। जब कालिक पूरी तरह से प्लेट पर खट्टी हो जाए, तो उसे चाकू से खुरेज कर निकाल लें और 1 डिब्बे में डालकर रखें। कपूर से काजल बनाने में 10 मिनट लगते हैं। ये आंखों को आराम पहुंचाता है और आंखों से धूल के कण भी निकाल देता है। चौथा तरीका, एलोवेरा जेल से काजल। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी थोड़े से एलोवेरा जेल की, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, 1 तांबे की प्लेट, 1 दीपक, थोड़ी सी रुई और 2 समान आकार के कप। इसको बनाने की विधि। सबसे पहले आप एक दिया लें और उसमें कैस्टर ऑयल डालें। फिर दिए में रुई की बत्ती बनाकर डालें और दिया जला दें। अब एक प्लेट लेकर उसमें एलोवेरा जेल डालें और दोनों कप की सहायता से दिए की लौ के ऊपर रखें और इसे इस तरह से रखें कि एलोवेरा जेल वाला हिस्सा जले। जब वह पूरी तरह से जल जाए, तो उसे चाकू से प्लेट के नीचे जमी काले को खरोच कर डिब्बिया में निकाल कर रख दें। ये काजल बनने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है, इसलिए
इसके लिए भी रात का समय अच्छा रहता है। एलोवेरा का काजल आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। पांचवा तरीका, कैस्टर ऑयल से काजल। इसके लिए आपको जरूरत होगी थोड़ा सा कैस्टर ऑयल की, एक मिट्टी का दीपक, थोड़ी सी रुई, एक तांबे की प्लेट, एक समान आकार वाले 2 कप, थोड़े से बादाम का तेल और एक छोटी सी डिबिया। इसको बनाने की विधि, सबसे पहले एक दीपक लें और उसमें कैस्टर ऑयल भर दें। अब रुई की बत्ती बनाकर उसमें डुबोकर दिए को जला दें। दिए के दोनों ओर कप रखकर फिर कप के सहारे दिए के ऊपर प्लेट रखें। प्लेट को ऐसे रखें कि दिए की लौ प्लेट तक पहुंचे, ताकि प्लेट पर कालिख इकट्ठी हो जाए। कालिख होने पर इसे खुरेचकर एक डिब्बी में डाल दें। फिर इसमें बादाम के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और इसे अपने आप सूखने दें। इसे बनाने में 10 से 15 घंटे लगते हैं, इसलिए इसे भी रात को ही बनाना सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट रेड सब्सक्राइब बटन बिलो, प्रेस द बेल बटन ऑल्सो सो यू गेट नोटिफिकेशन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस वन। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो।